का एक बुजुर्ग दंपति लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उनकी कोशिश है कि पूरे भारत का भ्रमण कर 80,000 लोगों को ऑर्गन डोनेट करने की मुहिम से जोड़ा जाए। बता दें कि बुजुर्ग दंपति ने दिसंबर 2021 से यात्रा शुरू की थी और 30 अप्रैल को यह यात्रा खत्म करेंगे। बुजुर्ग दंपति ने अम्बाला में भी लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि अपनी इस मुहिम के तहत यह बुजुर्ग दंपति अब तक 16,000 लोगों तक पहुंच चुका है। भालशेखर ने बताया कि वह अपनी ही कार में सफर कर लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें इस मुहिम के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह प्रण उस वक्त लिया था जब उनकी बेटी को किडनी की जरूरत थी और अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाने पर उन्होंने यह ठाना कि वो लोगों को भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, जिसके लिए उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की और अब लोगों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने ये जो है 2016 से हम लोग स्टार्ट किया ये इसको मिशन को, जब हमारी बेटी को किडनी की जरूरत थी, उनका ट्रांसप्लांट जो 2016 में हुआ, उस दिन हमने रियलाइज किया कि ऑर्गन डोनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, फैमिली के अंदर कितनी सफरिंग होती है। 13 जून 2016 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। हमने ये अभी जो हमारा जो ट्रिप है द फर्स्ट ट्रेवलर्स के नाम से हम लोग चल रहे हैं, हमने ये 10 दिसंबर 2021 को ये अपना नवी मुंबई से मिशन स्टार्ट किया था। पूरे भारतवर्ष में सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को हम लोग विजिट कर रहे हैं। आज हमारे 104 दिन यहाँ तक हो चुके हैं जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं और हम 23 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज कवर कर चुके हैं। हम लोग रोटरी क्लब के थ्रू, लॉयंस क्लब और बाकी एनजीओज के थ्रू, मोन फाउंडेशन के थ्रू हम लोग लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद उनको इस बारे में बताते हैं कि ऑर्गन डोनेशन का क्या अवेयरनेस है और कितनी तरह के ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति जो है जिंदा जी 4 ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, जबकि मरने के बाद हम 8 व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं, और अगर ब्रेन डेड केस है तो 17 लोगों की जान बचाई जा सकती है। हम इस तरह आज भारतवर्ष के अंदर कम से कम 5 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं जिनको ऑर्गन नहीं मिलता है, और 1 लाख लोगों को किडनी नहीं मिलती है, वो अपने रिश्तेदारों को रोता बिलखता छोड़कर चले जाते हैं। और ये सिचुएशन को जाहिर करते हुए हमने जो है इस मिशन को लिया है और हम आगे इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा जो टारगेट है 131 दिन तक ये ट्रेवल करने का, और 131 सिटीज़ में हम लोग जा रहे हैं, और जिसके अंदर 22,500 किलोमीटर अपनी कार से ड्राइव करके हम लोग हर देश के हर कोने में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है 80,000 प्लेजेस को लेने का था, लेकिन उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे। हमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, आने वाले टाइम के अंदर हमें मालूम है कि हम इस टारगेट को अपने अचीव कर लेंगे। हम लोग जब भी निकले थे द फर्स्ट ट्रैवलर, हम लोग 80,000 प्लेजेस की उम्मीद लेके निकले थे कि हम कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिथ है जो हम लोग अगर इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में हमें वो ऑर्गन्स नहीं मिलेगा। सेकंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग कन्विंस हो जाते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे लैकिंग है। तो हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो आगे वाले दिन में गवर्नमेंट से भी प्रेशर आए, गवर्नमेंट को भी प्रेशर हुए कि उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे बनाए कि लोकल लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी मिले। हम लोगों को इसके लिए हम लोग गाड़ी से निकले हैं कि हम लोग बहुत दूर तक, अंदर तक लोगों के पास पहुँचे, सिंपल लैंग्वेज में पहुँचे। हम लोग यही बोलते हैं मेनली, जब भी पेपर का रिसाइकल हो सकता है तभी हमारे ऑर्गन डोनेशन ऑर्गन का क्यों नहीं रिसाइकल हो सकता है। उनको भी आगे वाले जनरेशन या आगे वाले जिनको चाहिए उनको भी ये काम आ सकते हैं।